Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss the type of geometric transformation. In previous video, we discussed a geometric transformation or spatial transformation. That means if we want to change our image size and style or image coordinate from one coordinate to another coordinate, then we will use a transformation function. Okay, so here many of transformation are available for the geometric for the image. But here we discuss the linear as well as non-linear. But in our case or in our syllabus, we discuss the linear transformation only. So which kind of the linear transformation are available for the geometric transformation? There are the translation, rotation, scaling, share and affine. This kind of the transformation is called a linear transformation. Okay. So one by one in detail, we discuss the each and every translation. Transformation in detail. So first one is the translation for the geometric transformation. Translation is the shifting the object location. If you know the shift in x comma y direction, it let be you know the create the transformation matrix as follows. Suppose ke yahan par main pehle images dikha deti hu. Ki suppose ke aapki ye knowledge original image hai. Okay, jo yellow line par hai, theek hai. अब आपको उसको क्या कर देना है, मूव करना है. दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट चेंज करना है. सपोज कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा एक पॉइंट है. सपोज कि ये मेरा ओके सपोज कि ये मेरा एक पॉइंट है. ओके, इस पॉइंट को मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर मूव करना है. ओके, इस कोऑर्डिनेट पर मूव करना है. तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी कि वो क्या करना चाहिए कि भाई वो वाई डायरेक्शन में 10 तक नीचे जाना चाहिए और x डायरेक्शन में वो 8 तक जाना चाहिए. ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो 8 कोऑर्डिनेटर पर आएगा और यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो 10 कोऑर्डिनेट पर आएगा. और उसको वो क्या करना है, ट्रांसलेट मतलब उसको मूव करना है. दैट मींस वो फॉरवर्ड में आगे x डायरेक्शन में x जो हमारी एक्सिस है उसके ऊपर 8 तक जाना चाहिए और हमारी जो y डायरेक्शन है उसकी एक्सिस पर वो 10 तक जाना चाहिए. दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल 0.0 पर है वो ट्रांसफर करके हमें क्या करना है, इस पिक्सेल को ट्रांसफर करके 8.10 तक जाना है. उसके नेक्स्ट पॉइंट को उसके नेक्स्ट पर जाना है. सपोज कि यहाँ पर 0.1.0 है तो इस पॉइंट पर ये वाला क्या होगा, 9.0. ओके, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें क्या कर देना है, इस सपोज कि हमारे जीरो में है, अगर हमारा पॉइंट है वो जीरो है तो x डायरेक्शन में 8 तक जाता है तो वो क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा. अब अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर 9 है, ओके, तो 9 में 8 ऐड करके वो क्या आएगा, यहाँ पर 9 + 8 दैट मीन्स 17. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 17 तक आएगा. ठीक है, सो दिस वन इज द ट्रांसलेशन. दैट मीन्स हमारी जो इमेज है, इमेज को मुझे क्या कर देना है, इमेज को मुझे चेंज करना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक. ओके, और एक मूवमेंट, एक साइज, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक अगर मुझे मूव करना है तो वो किसके मदद से कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की मदद से. दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसलेशन कि कितने मूव करना है. दैट मीन्स आपकी अपडेटेड, सपोज कि मैंने यहाँ पर बोला था कि x डायरेक्शन में 8 और y डायरेक्शन 10 और ये वाला मेरा ओरिजिनल 0.0, तो ये मेरा क्या हो गया, यूवी, वो मैट्रिक्स मेरा अपडेटेड मैट्रिक्स हो गया. ओके, तो दिस वन इज द ट्रांसलेशन यूजिंग द जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, कोई एक इमेज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करनी है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रोटेशन. रोटेशन दैट मीन्स आपको उसके नाम पर से ही पता चल गया, रोटेशन दैट मीन्स आपको उसको क्या कर देना है, कोई एंगल पर रोटेट करना है. दिस टेक्निक इज रोटेट एन इमेज बाय स्पेशल एंगल एंड बाय द गिवन एक्सिस और point. The points that lie outside the boundary of an output image are ignored. Rotation about the origin by an angle theta is given by. Okay, suppose को आपको कोई एक image है, okay, ये वाली हमारी original है image है, उसको मुझे क्या कर देना है, rotate करना है कोई एक theta angle पर. Suppose कि ये मेरी image है, वो क्या है, theta angle is a zero. Okay, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मेरा theta है वो 5 है, तो थीटा एंगल से मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में उसको रखना है. दैट मीन्स u इज इक्वल टू x, जो मेरा कोऑर्डिनेट है, कोई एक पिक्सेल, एक ही पिक्सेल को आपको क्या करना है, सपोज कि मैंने जीरो बोल दिया, जीरो
इंटू कॉस थीटा, ओके थीटा क्या है 5 से मुझे उसको क्या कर देना है रिप्लेस करना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और उसको क्या कर देना है साइन थीटा, सेम टू सेम वी इज इक्वल टू माइनस एक्स थीटा, थीटा की साइन वैल्यू लिखनी है और वाई की वैल्यू लिखकर थीटा कॉस थीटा लिखना है और आपको क्या कर मिल जाएगा उसका अपडेटेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब वो थीटा एंगल पर वो क्या हो जाएगा रोटेट करने के लिए एक पॉइंट के लिए वो मिल जाएगा, दूसरे पॉइंट के लिए आपको अगेन यू वी आइडेंटिफाई करना होगा, तीसरे पॉइंट के लिए अगेन, और वैसे आपको आपका क्या होगा सारी की सारी इमेज क्या होगी वो थीटा एंगल से वो क्या हो जाएगी रोटेट हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज कि ये वाला जो मेरा एंगल है ओके ये पॉइंट है मेरा जो, उसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो मैंने कुछ एंगल दिया है यहाँ पर, सपोज कि मैंने 2 एंगल दिया है और वो क्या हो गई इमेज है वो रोटेट हो गई, मतलब इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया ऐसे इसका थीटा देकर मैंने क्या कर दिया इसको रोटेट कर दिया, सो दिस वन इज द रोटेशन। नाउ अनदर वन इज द स्केलिंग, स्केलिंग दैट मीन्स आपको अगर साइज को जूम करना है, जूम इन करना है या तो जूम आउट करना है, दैट मीन्स उसको रीसाइज करना है, ट्रांसलेशन दैट मीन्स मूव, जो साइज है वो सिमिलर साइज को आपको क्या करना है मूव करना है, बट वॉट इज अ स्केलिंग, स्केलिंग दैट मीन्स रीसाइज, आपको वो इमेज या तो फिर बड़ी कर सकते हो या तो फिर छोटी कर सकते हो, स्केलिंग दैट मीन्स रीसाइजिंग एन इमेज विच मीन्स इमेज इज मेड बिगर और स्मॉलर इन एक्स और वाई डायरेक्शन, वी कैन रीसाइज एन इमेज इन टर्म ऑफ द स्केलिंग फैक्टर, ओके कोई एक स्केलिंग फैक्टर होगा एक्स की एक्स डायरेक्शन, इसका एक्स एंगल ये होगा, वाई साइज हो ये होगा और ये वाला ओरिजिनल होगा, तो उसको मुझे क्या करना है स्केल करना है, दैट मीन्स स्केलिंग। यहाँ पर मैं देखो सपोज कि हमारी ये इमेज ओरिजिनल है, उसको मैंने क्या कर दिया स्केलिंग, दैट मीन्स उसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस नहीं बस उसका जो इमेज की जो साइज थी उसके मैंने क्या कर दी रिसाइज कर दी, दैट मीन्स सपोज कि यहाँ पर मेरा 50x50 का है ओके 50 यहाँ पर है और 50 यहाँ पर है, बट उसको मैंने कंप्रेस कैसे किया 50 ऐसे ही रखा, 50 में से 40 किया और x डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया 30 कर दिया, सेम टू सेम यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर मेरी x डायरेक्शन है वो 30 है ओके और y डायरेक्शन क्या है 40 है ओके, यहाँ पर मेरी ओरिजिनल इमेज की साइज क्या है 40 by 30 ओके ये वाला 30 है और ये वाला 40 है ओके, 30 उसका क्या है हाइट है और 40 उसका क्या है विड्थ है, अगर मुझे उसको ट्रांसलेट करना है डबल में, उसकी साइज को क्या कर देना है मतलब उसकी जो हाइट है उसको डबल कर देना है और उसकी जो विड्थ है उसको क्या कर देना है उसको कम कर देना है, तो मैं क्या करूँगी तो उसकी हाइट और विड्थ को मैं क्या करूँगी यहाँ पर डबल कर दूंगी ओके, उसकी साइज को मुझे क्या कर देना है हाइट को डबल करना है, दैट मीन्स उसको इम्प्लाइज 2 करूंगी ओके, और उसकी साइज को क्या विड्थ को क्या करना है डिवाइड 2 करूंगी ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला यहाँ पर एक्स एस एंड एक्स वाई मिला, एक्स एस को डबल करना है इसलिए 2 और एक्स वाई को डिवाइड बाई 2 करना है इसलिए 1/2, और मैंने क्या किया यहाँ पर यू वी मतलब मेरा जो फंक्शन था वो अप्लाई किया कोई एक एंगल के लिए, यहाँ पर 30, 40 लिख दो और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा जो मेरी 30 थी हाइट, जो मेरी 30 हाइट थी वो क्या हो गई 300 हाइट थी वो क्या हो गई 600 हो गई, और जो मेरी 400 की विड्थ थी वो क्या हो गई वो मेरी 200 की हो गई, मतलब उसके आधी हो गई ओके। यहाँ पर देखो मेरी हाइट क्या है 300 है ना, और यहाँ पर हाइट देखो इससे थोड़ी ज्यादा मतलब डबल है, डबल टाइप की, तो वो क्या हो गई 600, और मेरी विड्थ क्या है 400 थी ना ये वाली, तो वो क्या हो गई 200 हो गई, क्यों क्योंकि उसकी डिवाइड बाई 2 कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, उसकी हाई विड्थ वो कम हो गई, मतलब हमें रिसाइज करनी है इमेज तो हम क्या कर सकते हैं स्केलिंग की मदद से उसको रिसाइज कर सकते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग दैट मीन्स शिफ्टिंग पिक्सेल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, शेयरिंग दैट मीन्स इमेज मीन शिफ्टिंग द पिक्सेल वैल्यू आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा है शेयरिंग दैट मीन्स यहाँ पर सपोज कि मेरा ओरिजिनल इमेज ये वाला था ओके ये वाला जो डॉट 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 में है ना ये मेरा ओरिजिनल इमेज था, बट मैंने क्या किया जो पिक्सेल था उसको मैंने क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया ओके उसको क्या किया राइट साइड शिफ्ट किया है ओके लेफ्ट टॉप कॉर्नर के जो मेरे पिक्सेल थे उसको मैंने क्या किया लेफ्ट कॉर्नर ये वाले जो पिक्सेल थे मैंने उसको क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया
सारे के सारे पिक्सेल को, ओके, राइट कॉर्नर के साथ सेम टू सेम जो मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के जो पिक्सेल थे उसको मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, ओके। सो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली शेयरिंग। अगर मेरे टॉप राइट कॉर्नर को मैं यहां से यहां मैं क्या कर रही हूं, देखो ये वाला जो पिक्सेल था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, वर्टिकली शिफ्ट किया है ये वाले को, तो वो कहां से आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, वर्टिकल शेयरिंग। और जो ये वाला जो एंगल था उसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो दिस वन इज अ वर्टिकल शेयरिंग, ओके। अगर हम हॉरिजॉन्टली जो हमारे पिक्सेल है उसको हम मूव करते हैं तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। अगर हम वर्टिकली जो हमारा पिक्सेल है उसको शेयर करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो वो क्या होगा, वर्टिकल शेयरिंग, ओके। नाउ अनदर वन इज द रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ओके। सपोज कि आपका रिजिड ट्रांसलेशन क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है मूवमेंट। सपोज कि आपका जो इमेज है उसको एज यूजुअल वही कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब वही साइज के साथ वो क्या कर देता है, मूव कर देता है। सपोज कि आपकी इमेज यहाँ पर है तो वो यहाँ पर ले जा सकता है, ठीक है, सेम साइज की इमेज को। बट वॉट इज द रोटेशन, रिजिड क्या है, ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी है, वो क्या करेगा, अगर हमारी इमेज ऐसी है ना तो उसको यहाँ पर वो क्या कर देगा, ऐसी कुछ कर देगा, मतलब उसकी साइज नहीं बढ़ाएगा बट उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। सपोज कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा पिक्सेल पी है, ओके, उसको उसको उसने वो क्या किया, यहाँ पर पिक्सेल यहाँ से वो यहाँ मूव तो किया है बट साथ साथ में वो क्या किया है, उसने वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज किया है। सपोज कि ये वाला था वो ऐसे था, पी और क्यू यहाँ पर स्लाइटली था, मतलब उसको स्लोप वाला था, और उसके साथ मैंने क्या किया, रोटेट किया, कुछ एंगल पर रोटेट किए, तो वो क्या आ गया, वो यहाँ पर वर्टिकली आ गया। दैट मीन्स दिस वन इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो टी एक्स और टी वाई, ओके, यहाँ से यहाँ उसने किया और टी वाई यहाँ से यहाँ किया, तो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन एंड दिस वन इज द रोटेशन, ओके, दिस वन इज द रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर वन इज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वॉट इज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन रोटेशन एंड स्केल। वॉट इज द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन दैट मीन्स मूव वन इमेज टू द अनदर इमेज, ओके, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पर जाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। रोटेशन दैट मीन्स उसको रोटेट करेंगे, उसके कुछ थीटा एंगल को रोटेट करेंगे। एंड वॉट इज द स्केलिंग, स्केलिंग दैट मीन्स उसका जो साइज है उसको क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे, उसको कम या तो ज्यादा करेंगे, ओके। ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह मैट्रिक्स में था, वन वन और टी एक्स टी वाई, ओके, वन वन टी एक्स टी वाई और एक्स वाई। रोटेशन का था वो कुछ कोस थीटा के साथ था, और स्केल का था वो क्या था, एस के साथ था। तो हमारा जो सिमिलैरिटी का जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, एक्स टी एक्स टी वाई जो हमारा मूवमेंट था वो साथ में साथ कॉस और साइन जो हमारा रोटेशन में था वो, और जो हमारा स्केलिंग में एस का यूज होता है एक्स एस और एक्स वाई वो, ओके। सो दिस वन इज द सिमिलैरिटी फॉर्मूला, ओके, आसान है याद रखने में अगर आपके पास ट्रांसलेशन रोटेशन और स्केलिंग का फॉर्मूला याद है तो। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज कि ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेरा पिक्सेल है वो मैंने चूज किया, सपोज कि मैंने चूज कर दिया, उसको मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको ट्रांसलेट किया, यहाँ पर मूव किया, ओके, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, ओके, उसके बाद उसको रोटेट भी किया, यहाँ पर देखो ऐसे था और मैंने क्या किया, रोटेट भी किया, और साथ में उसको क्या किया, स्केल भी किया, स्केल दैट मीन्स उसकी रीसाइज की, ये जो साइज थी उससे वो मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, सेम, यहाँ पर प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि सेम प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन आप रियल लाइफ में कहाँ देख सकते हो, प्रोजेक्टिव ट्रांसलेशन आप रेल की जो पटरी होती है ना वहाँ पर आप देख सकते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर आप जो खड़े रहे हो उसका डिस्टेंस और आपको जो दूर तक दिखाई दे रहा है उसका डिस्टेंस, आपको दूर से वो ऐसे दिखाई देगा कि वो रेल की जो पटरी है ना वो मिल रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है, बट वो मिलती नहीं है। दैट मीन्स दिस वन इज अ प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ओके।
Now another one is the affine transformation. This one is a very important topic because this is the combination of translation, rotation, scale and shed. Okay, अब तक जो translation और rotation था वो क्या था? Translation और rotation था वो combination of rigid. Rigid था वो कौन था? Translation और rotation का combination था. जो similarity था वो translation, rotation and scale का combination था. और affine क्या है? Affine है वो translation, rotation, scale और shed. उसका क्या है? कॉम्बिनेशन है. ट्रांसलेशन दैट मींस मूवमेंट, रोटेशन दैट मींस थीटा एंगल, स्केल दैट मींस जो हमारी रीसाइज करते हैं वो, और शेड दैट मींस जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इमेज को हम क्या करते हैं, मूव देते हैं वो. ओके, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रिजर्व द कोलिनियरली एंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस. द पैरेलल लाइन इज द ओरिजिनल इमेज विल बी पैरेलल इन द आउटपुट. यहाँ पर हम देखो, सपोज कि हम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, उसको मैंने क्या किया, इस पिक्सल को मैंने यहाँ पर मूव किया. ओके, साथ में साथ उसको कुछ रोटेट किया है, ये वाली इमेज एकदम एंगल से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. ये देखो ग्रीन कलर का है ना, वो ओरिजिनल इमेज का है. साथ में साथ मैंने क्या किया है, साथ के साथ मुझे स्केल मतलब उसकी रीसाइज की है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, उसको क्या मैंने किया, रीसाइज मतलब छोटी बनाई है. और साथ में उसको शेड किया है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल को मैंने क्या किया है, चेंज किया. ये वाला हॉरिजॉन्टली मैंने क्या, और थोड़ा वर्टिकली, दैट मीन्स मैंने क्या किया है, चेंज किया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल पिक्सल में. सो दिस वन इज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. सेम मैंने यहाँ पर इस इमेज के लिए मैंने क्या किया है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रिसाइज किया, उसका शेड किया, उसका ट्रांसफॉर्म किया और उसको क्या किया, थोड़ा रोटेशन मतलब अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को ऐसे बोल सकती हूँ तो यहाँ पर देखो थोड़ा कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है. सो दिस वन इज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस वन इज अवर ओरिजिनल इमेज. ओके, अगर हम उसके ऊपर रिजिड अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स रिजिड दैट मीन्स दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और थोड़ा रोटेट. अगर हमारा ये ओरिजिनल एंगल ठीक से नहीं आ रहा है तो हम ओरिजिनल थीटा एंगल पर लाकर हमारा जो हमें जो चाहिए वो एंगल पर ला सकते हैं यूजिंग रिजिड. आफ्टर दैट सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल. ओके, स्केल दैट मीन्स वो क्या करेगा, रिसाइज करेगा. अगर ये ओरिजिनल इमेज है वो बहुत बड़ी है और हमें क्या करना है, उसको थोड़ी छोटी करनी है हमारी माइंड की इमेज को, तो हम ट्रांसलेट, रोटेशन और स्केल की मदद, स्केलिंग की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट सॉरी हमारे फॉर्मेट में ला सकते हैं. अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन देर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल एंड शेयरिंग. ओके, तो शेयरिंग अगर हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको हम अगर चेंज करना है, ये देखो टॉप व्यू है बट दिस वन इज द साइड व्यू, अगर इसको हम साइड व्यू भी बोल सकते हैं, तो साइड व्यू हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर हमें चेंजेस करना है कोई भी इमेजेस को, देन दिस वन इज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस वन इज द डिफॉर्मेबल फॉर्मेबल. ओके, सो दिस वन इज द रजिस्टर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी यूज इन द मेडिकल फील्ड. ओके, अनदर फील्ड में भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो सकते हैं बट मेडिकल फील्ड में वो ज्यादातर यूज होते हैं. दिस वन इज अ 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन. 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स ये वाली जो है, जो इमेज है हमारी, इमेज ए इमेज है वो 3D फैक्टर में है, दैट मीन्स एक्स वाई एंड जेड फॉर्मेट में है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इमेज ए एज अ यूवी, दैट मीन्स स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके. ये देखो हम क्लिक ऐसी इमेज करते हैं, कोई भी MRI मशीन हो, CT स्कैन की मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो, वो तो कुछ इस 3D फॉर्मेट में वो क्या करेगी, इमेज को क्लिक करेगी, बट उसके ऊपर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसका जो इमेज है वो हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे. सपोज कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है वो हम इसमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई ट्यूमर है वो हमें दिखाई दे रहा है. सो दिस वन इज द यूज ऑफ द स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन. दे आर ऑल्सो यूज इन द 3D ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द 3D टू 2D. सो दिस वन इज द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल फॉर द लीनियर. वी हैव अ लर्न ट्रांसलेशन, क्विक रिविजन ट्रांसलेशन, दैट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम द वन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर अगर हमें मूव करना है हमारी
इमेज को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. रोटेट दैट मीन्स अगर हमारी इमेज को रोटेट करना है कोई एंगल के साथ, दैट्स कॉल्ड अ रोटेशन. नाउ दिस वन इज द स्केलिंग. स्केलिंग दैट मीन्स रीसाइज. हमारी इमेज को अगर हमें रीसाइज करना है, कंप्रेस करना है, ओरिजिनल इमेज साइज में कुछ विड्थ और हाइट में चेंजेस करना है, दैट मीन्स स्केलिंग. शेयरिंग दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमारे पिक्सल है उसको हम चेंज करेंगे, दैट मीन्स शेयरिंग. रिजिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. सिमिलैरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग. अफाइन इज द ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल एंड शेयर कॉम्बिनेशन. एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल फॉर द ऑल ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस वन इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर फर्स्ट चैप्टर. थैंक यू.